एक राजा गौतम बुद्ध का दर्शन करने अपने पास का एक आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उसके इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इसके बारे में उसे शंका थी। इसलिए वह अपने दूसरे हाथ में वह राजा एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। राजा को लगा भगवान बुद्ध इसे स्वीकार नहीं करेंगे और गौतम बुद्ध से मिलाने के बाद ऐसे ही उसने अपना हाथ में रखा रत्न जड़ित व अमूल्य आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराहट करके हुए बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुद्ध की यह बात सुनकर बुरा लगा और उसने वह अमूल्य आभूषण जमीन पर फेंक दिया, पर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ सुंदर गुलाब का फूल बुद्ध को देने के लिए अपना हाथ आगे किया और उसने सोचा कि गुलाब में सुंदरता और कुछ आध्यात्मिकता शामिल है, तो बुद्ध इस गुलाब के फूल से जरूर स्वीकार करेंगे। तभी बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे गिरा दो। अब राजा परेशान हुआ, वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था पर अब उसके पास बुद्ध को देने के लिए कुछ बचा नहीं था। तभी उसने स्वयं का ख्याल आया और राजा ने सोचा कि वस्तु भेंट करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को भेंट कर दूं। इस बार ख्याल आते ही राजा ने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। तभी बुद्ध ने राजा से फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के शिष्य भी वहां मौजूद थे, वे राजा की इस स्थिति को देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ कहना कितना अहंकार पूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूँ यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है और वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों में गिर पड़े।